हेलो हेलो। हाँ, इस बार रिकॉर्ड हो रहा है। नाइस। इससे पहले ही मैं एक बार रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट नहीं किया और वीडियो के बीच में जाकर पता चल रहा है कि मैं आ रहे, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो खैर, छोड़ो उस बात का। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो आज का वीडियो का हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो है आईपैड मिनी 6 के जितना भी सारा लीक्स निकल कर रहा है उसके ऊपर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं करंटली आईपैड मिनी 5 यूज़ कर रहा हूँ, तो मिनी 5 से मिनी 6 का जो अपग्रेड रहने वाला है वो बहुत ही मस्त रहने वाला है। कि मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो दो तीन चीज़ें जो लगा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली गेमर्स के लिए, जो हम लोग गेम खेलते हैं ना उसके लिए। क्योंकि देखो, जो लोग आईपैड खरीदते हैं ना वो मोस्टली मतलब बड़ा स्क्रीन को देख के लेता है, लेकिन हम लोग गेमर के लिए हम लोग छोटा स्क्रीन वाला आईपैड होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग का जो फिंगर रहता है वो इजीली एडजस्ट हो जाता है मिनी वाला वर्जन में, मिनी वाला जितना भी वर्जन निकलता है उसमें। तो पहला जो चीज़ हम लोग को आईपैड मिनी 6 में देखने को मिलता है वो है 8.5 इंच का स्क्रीन साइज़, जो कि पहले आईपैड मिनी 5 था उसमें 7.9 इंच वाला मिलता था। और एक और चीज़ देखने को अच्छा मिलेगा कि आईपैड मिनी 6 में बेजल नहीं रहेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है। क्योंकि आईपैड मिनी 5 मैं जब खरीदा था मुझे लाइक बहुत ही प्रॉब्लम होता था बेजल की वजह से। इतना बड़ा बड़ा आईपैड मिनी 5 का बेजल रहता है, लेकिन मिनी 6 में ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जब मैं पहला वाला आईपैड लिया था ना, पहला दिन मुझे जो प्रॉब्लम होता आईपैड मिनी 5 में वो होता था जब आईपैड का जो बटन रहता ना वो कभी कभी हम लोग क्या होता है फ़ोन में, जब फ़ोन में तो बेजल नहीं रहता फ़िलहाल अभी का, तो फ़ोन से जब मैं आईपैड में शिफ्ट हुआ था तो वो बेजल में हाथ बहुत ज़्यादा अटक जाता था। तो स्क्रीन से जब भी बेजल में हाथ जाता था स्क्रीन से, तो मेरा जो बंदा रहता था उसे पूरा अटक जाता था, खड़ा हो जाता था एक जगह पे। लेकिन ये अभी ऐसा होने नहीं वाला है। तो और दूसरा वाला जो अपग्रेड रहने वाला है वो होगा हम लोग का टाइप सी का। तो पहले क्या होता था कि जितना भी हमारा आईपैड था वो लाइटनिंग केबल से चार्ज होता था, लेकिन इस बार का आईपैड में टाइप सी से चार्ज होने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक जो चीज़ मैं नोटिस किया वो आईपैड एयर 3 का जो छोटा वाला वर्जन था ना वो था आईपैड मिनी 5, और ये जो आईपैड मिनी 6 होने वाला है ना ये होगा आईपैड एयर 4 का छोटा वाला वर्जन, जो 2020 में निकला था ना आईपैड एयर 4, उसका ही एग्जैक्टली छोटा वाला वर्जन होगा आईपैड मिनी 6। और उसमें भी आईपैड एयर 4 की तरह हम लोग को A14 बायनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि गेम को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है उसमें। तो उसका नो डाउट ये वाला जो होगा ना गेम खेलते टाइम तो मस्त चलेगा, मक्खन की तरह चलेगा। आई होप सो। इसमें हम लोग को बस स्मूथ और बैलेंस में एक्सट्रीम देखने को नहीं मिल सकता, इसमें हम लोग को शायद अल्ट्रा में भी हम लोग को एक्सट्रीम देखने को मिल सकते हैं। फ्रेम रेट का बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली पबजी का बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो मिनी 6 लॉन्च होने वाला है ना मोस्टली मार्च में ही लॉन्च होने वाला है, जितना भी सारा लीक्स देखा। कोई कोई बोल रहा है सेप्टेम्बर में लॉन्च होने वाला, कोई कोई बोल रहा है मार्च में। तो ये मेरा ही मानना है, ये स्पेशली मेरा ही मानना है कि मार्च में मिनी 6 लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं, अगर मार्च में लॉन्च हुआ तो इधर उधर से खबर भी आ रहा है कि लाइक जो इंडियन वर्जन होगा पबजी का वो हम लोगों का मार्च में भी लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं, मार्च में अगर गेम भी आ जाए और एक आईपैड का 6 वाला वर्जन भी आ जाए मिनी 6, तो बहुत ही मस्त होने वाला है। तो उसका भी रिव्यू आएगा मेरे चैनल पे, मैं भी शायद मिनी 6 लूँ अगर अच्छा चीज़ें देखने को मिला। पहले तो अगर बेजल नहीं मिलेगा तो मैं तो लेने ही वाला हूँ, यह तो पक्का है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।